The Mac Class is key to unlock the success Kalyanpur Kanpur. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन एकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस। तो आज हम लोग गणित की श्रृंखला में पढ़ेंगे। अभी तक दो तीन लेक्चर पढ़ चुके हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलसीएम एंड एससीएम। ऐसे लगातार आपको आप रेगुलर बेस पे वीडियोस मिलते रहेंगे। ये वीडियोज आपके वन डे एग्जाम जैसे लेखपाल, जेल वार्डन वगैरह में बहुत यूजफुल होंगे। तो हम लोग आज शुरू करेंगे एलसीएम एंड एससीएम। तो पहले जानते हैं कि एलसीएम एंड एससीएम होता क्या है। जैसे कि एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और आपका एससीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत सारे लोगों को मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि वह सबसे छोटा गुणज जो सभी में क्या हो, कॉमन, सभी में क्या हो, कॉमन। तो वो क्या कहलाएगा आपका एलसीएम। और सबसे बड़ा गुणनखंड, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा गुणनखंड जो सभी में कॉमन हो वो क्या कहलाएगा आपका एचसीएम। तो हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएम कैसे आगे निकालते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर ले लिया तीन और चार, तो देखते हैं आगे तीन आएगा, फिर छः आएगा, नौ आएगा, बारह आएगा, पंद्रह आएगा, ऐसे डट डट चला जाएगा। आगे देखते हैं चार, आठ, बारह, सोलह, ऐसे डट डट जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले छोटा गुणज क्या है। तो आप इसमें देख रहे हैं बारह, और इसमें भी क्या देख रहे हैं बारह, तो दोनों में सबसे छोटा गुणज कौन सा मिला, बारह, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो गया, बारह। इस तरीके से एलसीएम और एससीएम, एलसीएम निकालेंगे कि सबसे छोटा होना चाहिए, इसके पहले तो कहीं दोनों मिल नहीं रहे, कॉमन हो नहीं रहे, तो सबसे छोटा क्या हुआ, बारह। ऐसे अगर बड़े की बात करें कि बड़ा मल्टीपल कौन होगा, तो ऐसे आगे चले जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे आपको, अनंत मल्टीपल ऐसे बड़े से बड़े मिल सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा क्या मिलेगा, बारह। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, बहुत सारी संख्याओं के एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसे कि कोई भी संख्याएं हो, हम उसका बेस्ट तरीका आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों को उससे पहले वाले तरीके पता हैं, लेकिन आज हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि कोई संख्या ले ली हमने, ले ली आठ, बारह, सोलह, बीस। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले ऐसे निकालते होंगे शायद, जैसे कि दो से चार बार, छः बार, आठ बार और दस बार, ऐसे आप लोग करते चले जाएंगे। फिर दो से करेंगे, फिर तीन से, कब तक करते रहते हैं, जब तक कि यहाँ पर वन वन ना हो जाए, और फिर इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग इस तरीके से करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और क्या होता है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग इसको एक सिंपल वे में कैसे करेंगे, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिया, इसी नंबर को आठ, बारह, सोलह और 20, तो हम लोग इसको फैक्टर विद से कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि हमने 20 ले लिया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 20, इसके फैक्टर कर लिए 5 गुणे 4। अब क्या है कि जैसे इसमें दो से कटता है, तो क्या केवल दो इसी को काट पाता है, नहीं, जितने लोगों को मतलब जितनी भी संख्याओं में होता है सभी को कट कर देता है। ऐसे क्या हुआ, जैसे 5 आ गया और क्या आया, 4। तो अब ये 4 है, ये सभी का गुणज हो गया, 4 क्या हो गया, सभी के लिए हो गया। जैसे ये दो सभी के लिए होता है, ऐसे ये क्या हुआ कि 4 सभी के लिए हो गया। अगर इसको 4 की जरूरत पड़ेगी तो ये काम आएगा, इसको जरूरत पड़ेगी तो भी ये काम आएगा। तो हमने क्या किया, 5 को 20। अब 16 के लिए 4 तो इसमें है, लेकिन क्या होता है, 4 गुणे 4 होता है, तो 4 तो पहले से दिया गया, अब क्या करना पड़ेगा, 4 और, तो अब 4 और 4 मिलके क्या हो गया, 16। ऐसे ही 12 के लिए देखो, 4 तो दिया गया है, लेकिन क्या नहीं है, 3, 3 अगर मिल जाए तो 12 हो जाएगा, तो 4 गुणे 3, अब 12 भी हो गया। अब अच्छा 8 के लिए देखो, 4 इसमें है और 2 इसमें भी तो है, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या करना, बस इसका मल्टीपल कर लेना, 4 पंचे 20 को 80, और 80 तो हो गया 240। आपका एलसीएम निकल के आ गया 240। तो हम लोग देख रहे हैं कितने आसान तरीके से एलसीएम हम लोग फैक्टर विद से निकाल सकते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी संख्याएं हों उनका आसानी से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से करेंगे तो कर तो लेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, और क्या होगा, गलत करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसे एक दो संख्याओं के और निकालना हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सिर्फ फैक्टर विद का यूज करेंगे,
इस विधि को हम लोग अब नहीं अपनाएंगे, हम लोग कौन सा विधि यूज करेंगे, फैक्टर विधि। जैसे और से एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5, 10, 15, 20 और हमको 25 का एलसीएम चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 25। इसके हमने फैक्टर कर लिए 5 × 5। अब 20 के लिए देखो 5 तो है, कितने की जरूरत है, 4 की, तो 4 हो गया। अब 15 के लिए देखो 5 तो सभी में, लेकिन क्या 3 और मिल जाए तो 15 हो जाएगा। अब 10 के लिए देखो 5 × 10 हो गया, और 5 के लिए 5 पहले से है, तो अब लोग हम लोग देखेंगे 55 25 4 100 300, इसका एलसीएम आपका कितना हो गया 300। आप आसानी से निकाल सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, जैसे सबसे बड़े नंबर का डबल करो, फिर उसमें सभी का भाग दे के देखो, अगर चला जाता है तो वो हो जाता है, डबल से नहीं होता है तो ट्रिपल करो, फिर ऐसे ऐसे करके आप भी तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका सबसे अच्छा है। जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं, 10, 15, 25, 35 और 45 का हमको एलसीएम चाहिए। तो देखो क्या करना, हमने जैसे बताया था कि सबसे बड़ा नंबर 45, इसके फैक्टर कर लिए 9 × 5। अब 35 में 5 होता है तो 5 तो हो गया, कितने की जरूरत है, 7 की। अब 25 में कितना होता है, 5 और 5 होता है तो 5 तो है, कितने की जरूरत है, 5 की। अब 15 के लिए देखिए 5 इधर है, 9 इधर है, इसमें 3 है तो 5 तो है, 15 हो गया। 10 के लिए 5 है, कितने की जरूरत है, 2 की। अब देखो मल्टीप्लिकेशन भी करने के लिए हम तुम्हें पहले से बता दें कि 5 का मल्टीपल में हमेशा सम डिजिट ढूंढा करिए, जिससे क्या होगा कि गुणा करने में बहुत आसानी होगी। देखो कैसे, 55 25 × 50 और 50 × 9 = 63 × 50, बस ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन, 0 × 5 = 15 5 × 1 = 5 6 × 30 = 31। आपका एलसीएम आ गया 3150। तो आप आसानी से गुणा भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे इसमें 5 से बड़ा नंबर ऐसा कौन है जो 5 से मल्टीपल है, 20, तो अगर 20 हो जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 5 हो गया। ऐसे ही 10 से बड़ा नंबर, 10 का मल्टीपल कौन सा है, 20, आसानी से आप इसको भी कट कर सकते थे। और 15, अब यानी कि अगर आप चाहें तो इतने का ही आप एलसीएम निकाल के आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो हम लोग अब एक दो क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और क्वेश्चन आता कैसे है लैंग्वेज में। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को एक एग्जांपल के तौर पर देखें कि लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्या कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 18, 24 और 36 का भाग पूरी तरह चला जाए। तो अब लोग देखें लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 18, 24, 36 का भाग पूरी तरह चला जाए। अब देखो यहाँ पर छोटी से छोटी मतलब क्या कि वह सबसे छोटी संख्या होना चाहिए जिसमें इन सबका भाग आसानी से चला जाए। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सिर्फ इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो कैसे, जैसे हमने बताया था 12, 15, 18, 24 और 36, हमने अभी क्या बताया फैक्टर विधि से, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 36 है, तो 36 को देखो क्या कर लिया, 6 × 6। अब 24 के लिए देखो 6 और 2 इसमें है क्या, 6 × 12, अगर 2 और मिल जाए तो 24 हो जाएगा, बिल्कुल 6 × 12 × 24 हो गया। अब अच्छा देखो 18 के लिए, अभी हमने एक चीज़ बताई थी कि 18 का मल्टीपल क्या है, 36, अगर 36 हो गया है तो 18 अपने आप से हो जाएगा, अगर नहीं देखो 6 इसका ले लो, 3 इसका 6 दिए 18 हो गया। अच्छा 15 के लिए कितने की जो, 3 तो इधर है, कितने की, 5 की, 5 तो 15। 12 के लिए 6 × 12 देखो हो गया। अब आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, कितना आएगा, 6 × 36 × 72 = 360। इसका एलसीएम कितना हो गया, 360। आसानी से आप कितनी भी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज में और सारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 18, 24 और 36 का भाग देने पर, इसी में थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे,
अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, पहले क्या था कि केवल पूरी तरह भाग चला जाए, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में दो शेष बचे, मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें अगर हम 12 का भाग दें तब भी कितना शेष बचे, दो, 15 का दें तब भी दो, 18 का दें तो, यानी इनमें से किसी का भी भाग दिया जाए तो शेष कितना बचना चाहिए, दो। तो बस कुछ नहीं करना, वही करना है कि क्या करना, 12, 15, 18, 24 और 36, इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालना, अभी हमने बताया 6 गुणे 6, अब 24 के लिए क्या दो इधर है, दो की और जरूरत है, 6 दूनी 12 दूनी 24। अब 18 तो हो ही गया क्योंकि हमने बता दिया कि इसका बड़ा मल्टीपल इसमें है तो ये अपने आप से हो जाएगा। 15 के लिए कितने की जरूरत है, 5 की, 12 के लिए हो ही गया, बस गुणा कर देना है, तो टोटल कितना हो गया, 360। अब लेकिन क्या कह रहा था कि दो शेष भी बचे, अब दो शेष कैसे बचेगा, इसमें दो को ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 362, यानी कि 362 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इनका भाग देने पर कितना शेष बचेगा, दो शेष बचेगा। तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे एक दो क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल से, यहाँ से पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, कितना शेष बचे, 5। तो अब देखो सिर्फ उसी तरीके से है जैसे अभी हमने पहले किया था, क्या करना है, 14, 21, 28 और 35, जब भी ये छोटी से छोटी बात हो तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, कैसे, 7 गुणे 5 35 हो गया, 28 क्या होता है, 7 गुणे 4, 7 तो ही, 4 और चाहिए, अच्छा 21 के लिए कितने की जरूरत है, 3 की, हो गया। अब 14 के लिए कितने की जरूरत है, 2 की, 2 तो इसमें है, 14 हो गया। हमने उसके पहले भी बता दिया आपको कि जब भी 28 यानी इससे इसका बड़ा नंबर मल्टीपल है तो अगर ये हो गया तो आप इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा, हो गया। अब हमें क्या करना है कि 5 शेष भी बचाना, तो हम गुणा कर लेंगे, 4 दें 12, 12 पंचे 60 और 60 × 7 420, लेकिन नहीं 420 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 5 शेष भी चाहिए, तो 5 को हमने ऐड कर दिया तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 425। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 425। तो इस तरीके से हम लोग आगे एग्जाम्पल पर देखते रहेंगे। तो देखते हैं अगले एग्जाम्पल, हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि एक बार कोई शेष बचता था, अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या की याद करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। अभी लोग हम लोगों ने क्या देखा था कि केवल एक बार कोई संख्या शेष बच रही थी, अब क्या है देखो अलग अलग शेष बच रहा है, इस पहले अगर 20 से भाग दें तो कितना बचना चाहिए, 8, फिर 25 से दें तो कितना बचना चाहिए, 13, अगर 30 से दें शेष कितना बचना चाहिए, 18। तो करना कुछ नहीं, क्या करना, एक चीज़ केवल इस तरीके से क्वेश्चन में देखना है कि अगर हम 20 से भाग दें, 25 से दें और क्या करें, 30 से भाग दें तो इधर कितना शेष बचना चाहिए, 8, फिर कितना, 13 और 18। तो केवल क्या करना है, इनका डिफरेंस देख लेना है कितना है, सभी में इक्वल डिफरेंस होगा 12 का, इसमें भी कितने का है, 12 का, और इसमें भी कितने का है, 12 का। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, बस अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो तो बहुत बार बता चुके हैं, 20, 25 और 30, इसका एलसीएम देखो 5 × 6, 25 के लिए 5, अब 20 के लिए देखो 5 इधर 2 इधर और कितने की ज़रूरत है, 2 की, बस हो गया। 25, 25, 150, 250, 300, यानी कि एलसीएम कितना है, 300, लेकिन क्या करना है, इनका डिफरेंस कितना है, 12। अब अगर हम इसको 12 को घटा दें तो आप बताएं कितना बचेगा, 288। अब इसमें किसी भी संख्या यानी 20 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 8, 25 का दोगे तो 13 बचेगा और 30 का देंगे तो 18 शेष बचेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो उसी टाइप के एक और एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 8, 12, 15, 18 से भाग देने पर
क्रमशः 3, 6, 10, 13, 16 शेष बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने बताया कि पहले इनका डिफरेंस देखेंगे, तो इसका डिफरेंस कितने का, 2 का, ऐसे इसका भी कितने का है, 2 का, सभी में डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5, 8, 12, 15, 18 का निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे, जैसे हम बहुत बार बता चुके हैं कि 9 × 2। अब 15 के लिए कितना, 3 इसमें है, 5 की और जो, तो 5 थे 15 हो गया। अब जैसे 12 चाहिए, तो देखो 3, 2 इधर, 3 इधर, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 × 2 = 12 हो गया। अब 8 करना है, तो 2 इधर है और कहीं नहीं, 2 इधर यानी 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। अब 5 तो पहले से दिख रहा है, तो 5 हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 90, 90 × 180 = 360। एलसीएम आपका कितना आ गया, 360। लेकिन इनका इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो बाद में 2 लेस कर देंगे, तो कितना हो गया, 358। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं कि अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। यानी कि इसका मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या भी होना चाहिए जिसमें इनका भाग दें तो कितना शेष बचे, 3, लेकिन वो 9 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो, तभी तो 0 शेष बचेगा, 9 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो हम लोग देखेंगे कैसे करना है, 5, 6, 7 और 8 का क्या निकालना है हम लोगों को, एलसीएम, क्योंकि क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी होना चाहिए, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 8 × 4 = 8। अब 7 पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि 7 तो इधर है नहीं। 6 के लिए देखो 2 तो ले लिया, कितने की ज़रूरत है, 3 की। अब 5 पूरा ज़रूरत है क्योंकि 5 तो कहीं था नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, देखो 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105 और हम लोगों को क्या करना है, 8, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 840। अब हम लोग देखेंगे लेकिन क्या कह रहा है कि 3 शेष बचे और कितने से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो अभी तो 3 शेष तो बच नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 840 × k + 3 और डिवाइड किससे करना था, 9 से। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इधर देखेंगे ये k क्या होता है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है जो भी हम आप लोग आराम से रख सकते हैं, जैसे k इक्वल टू क्या रखेंगे, 1, 2, 3 ऐसे डट डट कहाँ तक, जब तक ये 9 से पूरी तरह डिवाइड ना हो जाए। इसके लिए एक फार्मूला भी है, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर अपान डिवीजन, यानी कि एलसीएम और के क्या है आपको, 1, 2 ऐसे डट डट कहाँ तक, जब तक ये वैल्यू पूरी इससे डिवाइड ना हो जाए। तो हम लोगों ने एलसीएम कितना निकाला, 840 गुणे के की वैल्यू, अब 1 रखें, रिमाइंडर कितना था, 3 और भाग कितने से देना था, 9 से। अब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 840 × 840 और 343 हो जाएगा, और 9 की डिविजुअलिटी हमने पहले भी पढ़ा दिया है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से कट जाएगी। 8 × 4 = 12 और 3 होता कितना, 15, 15 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या ऐसे नहीं कटेगी। अब हम लोग एक चीज़ आसानी से कर सकते हैं, कैसे, जहाँ तक ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे कट जाए, पहले हम वहाँ तक काट लेते हैं। जैसे अगर हम इसको काट दें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 810 + 30 × k + 3/9। अब हमने क्या किया कि ये वाले तो पूरे 9 में क्या से कट ही जाएगा, 30 और के में, अब 30 में 27 भी कट जाएगा, 27 कट जाएगा ना 30 में 9, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब 3 ले लेंगे और k + 3/9। अब k की वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे ये पूरा कितने से कट जाए, 9 से। अगर 1 रखेंगे, इधर देखें 1 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 3 × 3 = 3 = 6, 9 से नहीं कटेगा। अब 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 9। तो हमने क्या किया कि k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2, k की वैल्यू कितनी मिली, 2 बस। अब कहाँ पे रख देना, हमने जो ये बनाया था आपको कि k की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 840, क्योंकि देखो 3 × 2 = 6 और 3 = 9, 9 पूरा कट जाएगा, 840 × k की वैल्यू मिली 2 + 3, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। 840 × 1680
प्लस 3 बराबर हो गया 1683, यानी कि वो 1683 एक ऐसी संख्या होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा लेकिन 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 1683। तो आज हम लोग इसी टाइप के यहीं तक रखते हैं क्लास, अगले टाइप के लिए हम लोग अगले दिन मिलेंगे। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।